इस पे हैरत हुई है क्या? आज तक ऐसा कभी हुआ है कि देश में इलेक्शंस हो और मंदिर और मस्जिद की बात ना हो? हमेशा ये देखा जाता है कि जब इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं तो इसी तरह से जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको आगे लाया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स होती हैं और ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हमारा मुल्क एक प्लोरलिस्टिक मुल्क है। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारी गंगा जमनी तहजीब। इस वक्त हम वाराणसी में बैठे हुए हैं और वाराणसी में इस बात का बहुत सबूत दिखता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से जो हिंदू और मुसलमान हैं वो एकजुट होके काम करते हैं। बल्कि जब यहाँ काशी मंदिर की भी बात हुई तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये हमारे काम के लिए नुकसानदेह है, हम लोग मिल के काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमको इस बात को समझना चाहिए कि जो लड़ाई है ना वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं है, जो लड़ाई है वो है एक विचारधारा की लड़ाई, एक लड़ाई जो कि आपको लिबरल और प्रोग्रेसिव बनाती है और एक जो कि कट्टरपंथी की तरफ आपको लेकर जाती है। तो ये एक ideological लड़ाई है और इससे हमको निकलना चाहिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को ये फैसला करना है कि वो किस तरह का हिंदू बनना चाहता है। क्या वो विवेकानंद जिस तरह के हिंदुइज्म की बात करते थे उस तरह का हिंदू बनना चाहता है, या वो लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं उनके बीच में इतना तनाव लाते हैं वैसा बनना। इसी तरह से मुसलमानों को ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो मौलाना आज़ाद जिस तरह की बात करते थे वो उनको सुनना है, या वो जो कि कट्टरपंथी बातें करते हैं और सिर्फ इसलिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं क्योंकि लोगों का ध्यान भटके, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आम आदमी है उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे जो लीडर्स हैं वो तो इनको दे नहीं सकते, तो ये समझते हैं कि चलिए धर्म के नाम पर फिर एक धमाल किया जाए। तो जनता को इससे बच के रहना चाहिए। क्या